और यहाँ पर आज कथा का लास्ट दिन है 27 तारीख से। तो दोस्तों इसके बाद जो कथा है कवर्धा में होगा, कवर्धा में वहाँ बस भी 28, 29, 30 तारीख को भव्य कथा होगा, वहाँ पर भी हनुमान कथा और दिव्य दरबार लगेगा एक दिन का आपका। दोस्तों आज का दिन काफ़ी खास था और आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ था यहाँ पर, पूरा पंडाल के चारों तरफ हर कोने में यहाँ पर कई लाख लोग यहाँ पर आए हुए थे और आज पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज करीबन 15 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे पंडाल के अंदर और बाहर, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा था। आज का दिन काफ़ी खास रहेगा क्योंकि आज कथा का अंतिम दिन था और यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए थे दूर दूर से और अलग अलग जगहों से। और दोस्तों आज का दिन काफ़ी शानदार था और ऐतिहासिक दिन था, जिसमें 1000 लोगों ने घर वापसी की। जो ईसाई धर्म में चले गए थे वो पुनः हिंदू धर्म में आकर जुड़े गए और 2 मुस्लिम फैमिली जो मुसलमान इस्लाम धर्म के थे उन्होंने भी हिंदू धर्म को माना और उसमें शामिल हो गए। तो आज 2 बड़े चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है इस कथा में। आज का जो रायपुर का है इसमें और देख सकते हो पूरा चारों तरफ का नज़ारा, कई लाख लोग आए हुए हैं, पूरा करीबन 15 लाख से ऊपर हैं दोस्तों यहाँ पर। पूरा पंडाल के बाहर का नज़ारा है और अंदर का नज़ारा तो आप देख ही रहे हो, पूरा यहाँ पर भी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर खाली हो, पूरा चारों तरफ खड़े हैं और बैठे हुए हैं सब। ये अनोखा नज़ारा आज का था दोस्तों। जो गुरु जी ने सभी अलग अलग जगह से आए जो धर्म परिवर्तन करके उनको सम्मानित किया गया यहाँ पर गुरु जी द्वारा, देख सकते हो, और आशीर्वाद दिया गया। और इसमें साथ ही जो कन्या विवाह का कार्यक्रम था उसमें भी गुरु जी ने सभी कन्याओं को आशीर्वाद दिया। 18 कुल जोड़े थे जिसको गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, 18 जोड़ों का यहाँ पर निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ और जो जिसमें जितना भी खर्चा आया शादी का वो सब पूरा समूह समिति वाले ने दिया। ये 3 बड़े कार्यक्रम आज देखने को मिला है यहाँ पर। जो गुरु जी आ चुके हैं और काफ़ी सुंदर भजन गा रहे हैं, सभी लोग काफ़ी घूम रहे हैं उस भजन में। इस पार्वती सभा में सभी भागों के लिए
आपको देंगे। अपने प्रिय श्री प्रबल प्रताप जी को आप उन्होंने बोले, उसके बाद में दो तीन लोगों को और बोले। अच्छा जितने लोग यहाँ पर टीम लाइन पर जमा करो तो दोस्तों गुरु जी ने जाते हुए बोला कि फिर से मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में ही है कथा। अगला कथा है वो कवर्धा में है 28, 29, 30 को। और देख सकते इधर बाहर का नज़ारा दोस्तों, यहाँ पर कई लाख लोग बाहर में थे और आने के लिए देख रहे थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर भीड़ था। और देख सकते हो पास रहते हुए भी सब बाहर में खड़े हुए हैं, गुरु जी के एक दर्शन के लिए सब तरस रहे हैं। तो ये अनोखा नज़ारा दोस्तों आज का था। यहाँ पर देख सकते हो शाम का नज़ारा, यहाँ पर कई लाख लोग, यहाँ पर इधर से भी देख सकते हो पूरा भीड़ भाड़ लगा हुआ है, काफ़ी लाखों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। एक कथा पंडाल के बाहर का नज़ारा देख सकते हो, पूरा मेला जैसे पूरा बैठे हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिला आज, रिकॉर्ड तोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे और आधा लोग तो इधर उधर घूम रहे थे। तो ये ज़बरदस्त नज़ारा आज का था दोस्तों, पूरा काफ़ी मस्त माहौल था आज। पूरा ऐसा लगा कि पूरा रायपुर हिंदूमय हो गया, पूरा वो सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही आगे भी चलते रहना चाहिए और ऐसा ही माहौल हमेशा बनी रहे, एकता रहे सभी हिंदू में। देख सकते हो ये काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा था आज का, पूरा मेला जैसे भराया हुआ था पूरा कोटा का यह मैदान। 70 एकड़ में फैला हुआ यह जगह, पूरा आज चारों तरफ से भीड़ दिखाई दिया। पहली बार यह अनोखा नज़ारा था दोस्तों आज का कथा का और लास्ट था। और गुरुजी ने जो निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ उनको सभी को आशीर्वाद दिया और जो घर वापसी हुई सभी जो लोग थे उनको भी गुरुजी ने आशीर्वाद प्रदान किया। और काफ़ी ज़बरदस्त आज का माहौल था दोस्तों, इसमें हिंदू में शामिल हुए मुस्लिम परिवार वाले को भी गुरुजी ने काफ़ी सारे बातें कहीं और आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये ज़बरदस्त नज़ारा था आज का दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय सियाराम।